अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे। तो आज हम स्ट्रीट लाइफ बनाने वाले हैं। स्ट्रीट लाइफ बनाने से पहले किन किन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए? सबसे पहले सर्कल, ओवल और लाइनों की जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी पूरी जो लाइन है वो एकदम से स्ट्रेट जानी चाहिए विदाउट स्केल। तो स्केल को जो है वो यूज़ नहीं करना, स्केल और रेजर आप ऐसा कुछ समझें कि ये आर्ट की फील्ड में हराम है स्केल और रेजर। पर फिर भी कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ नहीं करता। तो कुछ चीज़ों की जो है वो प्रैक्टिस करनी है स्ट्रीट लाइफ, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है स्ट्रीट लाइफ में। इस तरह से बनाएं, इस तरह से बनाएं, इस तरह से सर्कल बनाते जाएं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं। तो इससे जो है वो आपका एक फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और ऐसा नहीं है ये एक दिन में करना है, दो दिन, तीन दिन, ये आपको लगातार करते ही रहना है, करते ही रहना है। बस आपकी जो है ना पेंसिल चलनी चाहिए, वो ये जब चलती है ना पेंसिल ऐसे कुछ इस तरह से, तो हमें खुद को भी मज़ा आता है ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से। स्टार्ट में जो है आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो ये जो लाइन है स्ट्रेट लगेगी। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये दो दिन की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। तो बस आपको इन्हें कंटिन्यू करना है। और फिर कुछ इस तरह से बॉक्स की ज्योमेट्री शेप की जो आपको प्रैक्टिस करनी है। वो कुछ बच्चे जो ये लाइनें कुछ इस तरह से लगा दें, ऐसे 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 कुछ, तो ऐसे नहीं एकदम से एक ही सांस में जो है वो लाइनों को जो है वो कुछ इस तरह से आपको एक ही सांस में ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, एक ही सांस में। और दूसरी बात जो है पेंसिल का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट। ये पेंसिल का जो है ना, पेंसिल का जो है वो फ्लो आपके हाथ में होना चाहिए, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट। तो ये पेंसिल का जो है फ्लो जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डार्क तो डार्क ऐसा है कुछ, तो लाइट डार्क, ये पेंसिल का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जिस तरह से आपको लगातार एक या दो दिन में नहीं, लगातार सालों प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की, सर्कल, ओवल, ज्योमेट्री शेप वगैरह वगैरह, इनकी सालों आपको प्रैक्टिस करनी है। बस कुछ नहीं ऐसे एक ही सांस में, ऐसे बच्चों की तरह नहीं, डर डर के नहीं, एक ही सांस में। पेपर को साथ फाड़ दो, ख़राब कर दो, जो भी आपका दिल करे, बस पेंसिल आपकी जो है वो चलनी चाहिए। तो अब जो है वो दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्ट्रीट लाइफ में जो है, और लाइव स्केल में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एक तो है कंपोजिशन। कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चों का क्या है कंपोजिशन उन्हें पता ही नहीं है। इनके ऊपर मैं एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊंगा कंपोजिशन के बारे में, लेकिन अभी कुछ ये समझें कि ना कंपोजिशन है क्या। समझे आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक होटल में आप मैनेजर हैं, आपको पता होना चाहिए ये टेबल यहाँ पे, ये टेबल यहाँ पे, ये प्लेट यहाँ पे होनी चाहिए, ये प्लेट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक होटल में एक मैनेजर हैं, तो वो जो है ना आपको आपको मैनेजमेंट करना है कि ये प्लेट यहाँ पे होनी चाहिए, ये बल्ब यहाँ पे होना चाहिए, ये लाइट क्यों नहीं जल रही, तो ये जो है वो आपको मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको बनाना है लेआउट। ये चीज़ क्या है, ये है आपका पेपर, आपका सरफेस, यहाँ पे आप जो भी ऊंच नीच करेंगे ये आपको कोई नहीं कहने वाला, ये आपको कोई नहीं कहेगा ये ऐसा क्यों बनाया, ये ऐसा क्यों बनाया।
किस्सा ये है पेंसिल स्केच में, इसमें आप ही बादशाह हैं और आप ही वजीर हैं और आप ही वो सेना है, ये कुछ है ठीक है ना। तो ये कुछ है, आप ही बादशाह हैं, आप ही वजीर हैं और आप ही सेना है। जिस तरह से आप इसको मैनेजमेंट करेंगे तो ये आपसे मैनेज होता जाएगा, कोई ये आपसे नहीं कहेगा, आपको फांसी नहीं आ जाएगी, ये आपने ऐसा क्यों बनाया है तो ये आपको फांसी नहीं आ जाएगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी तो फुर्सत से देखें, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं बाहर आपका दोस्त कोई आवाज़ दे रहा है, तो फुर्सत से आराम से रिलैक्स होके ये वीडियो देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चे जो हैं वो क्या है, फिलहाल के मैं एक स्टील लाइफ बनाता हूँ। ये कुछ फ्रूट वगैरह आ गए, तो ये हमारा स्टिल लाइफ है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये हमारा पेपर है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे कुछ, और ये फ्रूट वगैरह जो है वो पेपर के बाहर जा रहा है, तो ये गलत है। और कुछ बच्चे ये भी करते हैं, ये जो है कुछ इतना सा बना के बाकी पेपर ऐसे ही वेस्ट, तो ये भी जो है वो गलत है। अब सही क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कंपोस्ट किसी भी चीज़ को करना कोई आसान बात नहीं है। अब समझें, ये आपका पेपर है, ऊपर से 2 इंच छोड़ा, नीचे से 3 इंच छोड़ दो, और कुछ ये और कुछ ये, पूरा इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऊपर से स्टार्ट किया, नीचे कोई जगह नहीं बची, फ्रूट जो है वो आपके बाहर चले गए, तो ये गलत है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ इस तरह से लाइन लगा दें, एक अंदाज़ा टाइप का, ये मैं थोड़ा सही कर लूँ, ये आपको कुछ ब्राइट दिख रहा होगा। तो अंदाज़ा टाइप यहाँ से लेके मेरी ये जो चीज़ें, ये जो चीज़ें हम यहाँ पे उतारने वाले हैं, यहाँ से लेके मेरी ये आएगी, यहाँ से लेके कुछ ये। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओवल, मैंने क्या बोला था, ओवल सर्कल वगैरह की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बगैर ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, आज की वैसे भी वीडियो लंबी बनने वाली है, आपको जो है ये फुर्सत से देखना है। अब क्या करना है, यहाँ से फिर ओवल, और ये आ गया हमारा सर्कल। और ये जो है हमारे फ्रूट आ गए, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है देखने भी। अब यहाँ पे जो है आप शेडो जो है वो वगैरह बना ले, या अगर कोई कपड़ा वगैरह रखा हुआ है तो कुछ इस तरह से क्विकली बनाना है। मैं आपको अभी क्विकली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरह से अब जो है ये फीका हमारा पड़ गया है, तो इसको जब हम शेड करेंगे तब ये बाहर निकल के आएगा। तो ऐसी जो है ना वो हरकतें आपको नहीं करनी, ठीक है ना, ऐसी जो है वो हरकतें नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है, देखें कुछ भी। और अगर रेफरेंस पिक्चर ना लें तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ भी बना लो, कुछ भी।
ऐसे कुछ भी बना सकते हैं अपने अंदाजे से। अब देखें, मिट्टी का कोई बर्तन है तो आपको शेड भी मिट्टी की तरह ही करना है, और कोई शीशे का बर्तन वगैरह है तो उसको भी शेड उसी की तरह, और कोई स्टील का बर्तन है तो उसको भी वैसे ही शेड करना है। ये पता चले स्टील है, ये पता चले ये स्टील का बर्तन है, ये मिट्टी का बर्तन है, ये प्लास्टिक का बर्तन है, ये शेड में जो है आपको पता लगना चाहिए दूसरों को कि हाँ ये कुछ इस टाइप का बर्तन है। अब शेड जो है ना वो आपको लाइट मिडल डार्क, कहीं पे लाइट कहीं पे मिडल कहीं पे डार्क, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। लाइट आ रही है यहाँ से। अब कुछ लोग की जो है वो एक मिस्टेक होती हैं, करते हैं क्या है कैसे हैं आपको मैं बता दूं। काम जो है वो कुछ इस तरह से करते हैं, अब ये बन गया ठीक है। अब रेजर उठा के उसमें ऐसे लाइट निकाल रहे होंगे, मज़ा कहाँ आ रहा है इसमें, इसमें मज़ा आ रहा है ठीक है ना। आप ऐसे करके ऐसे लाइट निकालोगे तो कहाँ मज़ा आएगा। तो रेजर जो आप कम से कम यूज़ करें, मैंने फिर से कह रहा हूँ स्केल और रेजर आर्ट की फील्ड में हराम है। तो ऐसे एकदम से गुस्से में आके, और पेंसिल थोड़ी लाइट चलाया करें, ये मजबूरी में जो है वो एड बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे से दिखे। आप 6B से ऊपर तो कोई पेंसिल यूज़ ही ना करें, ये मैं मजबूरी में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, वरना ये लाइट ऐसी है कि सब कुछ है वो फीका कर देता है, तो इसलिए मैं एड बी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो रेज़र कम से कम यूज़ करें, स्केल तो बिल्कुल भी ना यूज़ करें, एकदम से ऐसे इस तरह से, तो एकदम से एक ही सांस में ऐसे बच्चों की तरह नहीं, मैंने आपको फिर पहले भी समझाया था ऐसे बच्चों की तरह नहीं, ऐसे करेंगे आपकी आदत ख़राब होगी। स्केल यूज़ करेंगे तब भी आपकी आदत ख़राब होगी, और रबर भी यूज़ करेंगे तब भी आपकी आदत जो है वो ख़राब होगी। क्या क्या करना है ये दूसरे आपको बताते हैं, क्या नहीं करना ये मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग ये ऐसे भी हैं जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये एप्पल वगैरह इसको भी काला कर देंगे, उसके बैकग्राउंड को भी काला कर देंगे तो क्या समझ आएगा इसमें। इसको भी काला करेंगे, इसके बैकग्राउंड को भी काला करेंगे। एक चुल होती है ना, अच्छा बनाना है अच्छा बनाना है अच्छा बनाना है, तो अच्छा नहीं बनाओ, आप बुरा बनाओ, बुरा बनाओगे तो अच्छा बनेगा, अच्छा बनाओगे तो बुरा ही बनेगा ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से एप्पल जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिख रहा है।
तो ये जो कुछ गलतियां हैं, कुछ आपके अंदर खामियां हैं, ये आपको दुरुस्त करना है, ठीक करना है। सबसे बड़ी बीमारी ये, हम कुछ अच्छा बनाए ना कि प्रैक्टिस करें। कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर कोई क्रिकेटर लगातार छक्के मारता जा रहा है तो उसके पीछे राज है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस नहीं करता वैसे वो टुक भी नहीं कर पाएगा, इतना वजनी उसका बॉल होता है। प्रैक्टिस नहीं करो वो टुक भी नहीं कर पाएगा, तो लगातार छक्के मारने की वजह ये प्रैक्टिस। अब मसला क्या है लोगों का, ये चीज़ लोगों का मसला है। ये चीज़ मैं इससे भी अच्छा बना के दिखा दूंगा, पर इसके बगैर। ये जो लाइन है ना, ये कुछ है ना इम्प्रेशन देती है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ ये जो है ना ये मज़ा आता है। जितनी बार भी करो मज़ा आता है। एक प्रैक्टिस है, आप ये सिंगल लाइन लगा के जो है क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता आपका। बस ऐसे लेके ऐसे कुछ इस तरह से एकदम से डार्क पेंसिल यूज़ करके अब ओवल बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो कुछ बातों को समझा करें। ऐसे ही क्या है ये, मेरे को ऐसे ऐसी चीज़ों को है ना ये जुगाड़ लगाना, इसको बंद कर दो, इसको फेंक दो, ये काम नहीं आने वाले आपके। आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, आपको सर्कल ये बनाना नहीं आएगा। आप इतनी बड़ी पेंटिंग वाटर कलर एक्रेलिक बनाते रहोगे, अगर आपको सर्कल ही नहीं बनाना आएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब देखें इस तरह से कुछ लोग सर्कल बनाते हैं ना, अब इससे छोटा सा ये वो कैसे बनाओगे, ऐसे मुझसे तो ऐसे बन रहा ही नहीं है, मुझसे फ्री हैंड बनता है। जैसा भी बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, मुझसे फ्री हैंड बनता है। ये ऐसा नहीं बनता है ऐसे बच्चों की तरह। हम ये क्विकली एक कटर बनाने वाले हैं। कुछ बच्चे जो ऐसे भी हैं जो स्केल और पेंसिल और रेजर लेके बैठ जाएंगे, देखो बच्चों की तरह बना रहा चीज की जो है वो प्रस्पेक्टिव भी आप समझ लें किस तरह से। देखें ये चीज की प्रस्पेक्टिव है, कुछ एकोरेट बनाएंगे, जैसे कि जैसा है वैसा, ऐसे करके ऐसे 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 कुछ इसका ये बना लिया, उसके बाद ऐसे। अब ये क्या है, ये बेजान सा लग रहा है,
और ये जानदार लग रहा है कुछ, क्योंकि इसमें प्रस्पेक्टिव है। ये क्या है, ये बेजान सा लग रहा है, ये जानदार लग रहा है, इसमें प्रस्पेक्टिव है, ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रस्पेक्टिव भी एक दिन समझाऊंगा। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, इसको इग्नोर मत किया करो। ये छोटी छोटी चीजें है ना, इसको इग्नोर नहीं किया करो। इसमें भी बनाने में मजा है जब आप बनाओगे। ऐसे इग्नोर कर लोगे, अरे इसमें क्या मजा है, ये देखो देखो ये सिंपल सा है, ये देखो इस तरह से। तो प्रस्पेक्टिव को समझो, है ना। यहाँ से थोड़ा सा भरा है मैंने, थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिए, तो ये प्रस्पेक्टिव है। ये ऐसा लग रहा है ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है, अब ये हवा में उड़ रहा है। लेकिन ये टी है, इसको हम कैसे बनाएंगे? अब कुछ लोग हैं, एक मिनट, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे। तो ये ना कार्टून टाइप सा लग रहा है। अब इसको प्रस्पेक्टिव में कैसे बनाएंगे हम? स्टार्ट वैसा ही करना है हमें, ये कुछ इस तरह से। देखें ऐसा नहीं बनेगा, ये भी कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ लोग हैं ना जो ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें शेड करेंगे तो ये निखर के आ जाएगा। ये कुछ लोग कुछ इस तरह से बनाते ना, ऐसे करके ऐसे, हाँ ये बन गया। ये इस तरह से नहीं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये सही है, ये गलत है। बाकी ये वायर हो गया, दिख रहे हैं ना। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना बंद कर ले, इससे ही आपसे पावर बढ़ेगी, इससे ही आपकी बॉडी में करंट आएगा। जब इतनी चीज़ें बनाओगे तब जाके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाओगे। तो इन छोटी चीज़ों को इग्नोर करना बंद कर ले, आपके लिए फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। और कुछ देखते हैं, और कुछ समझ आता है तो बनाते हैं। तो कुछ जिस तरह से आप बना सकते हैं ईजी, ओके चले। तो ये कुछ गुलाब का पानी हम बनाते हैं, पहले तो सामने रख के हुए। देखो इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी, ये भी एक स्टील लाइफ ही है, इसको बनाना कैसे वो आप सीखें। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल, फिर एक ओवल, उसके बाद जो है ये आ गया हमारा सिलेंडर शेप, जिनको हमने थोड़ा मोटा कर लिया है।
ऊपर है हमारा ट्रायंगल, नीचे है हमारा सिलेंडर शेप जो कुछ इस तरह से होता है। जिसको हमने थोड़ा सा मोटा कर लिया। उसके बाद जो है उसके बाद फिर ओवल, उसके बाद सिंपल सा कुछ इस तरह से। अब ये कैसे बना, ये कुछ पर्सपेक्टिव है हमारे सर्कल। सबसे पहले ये, उसके बाद थोड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये सबसे बड़ा। तो ये पर्सपेक्टिव के अंदर सर्कल कुछ उस तरह से बनेंगे। सबसे पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये और ये। मैंने कहा था सर्कल पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये जो दुरुस्त हो जाएगा। ऊपर का छोड़ दें। अभी ये स्टिकर हो गया ठीक। यहाँ पे आ रहा शेडो, ऊपर से लाइट है हमारी तो शेडो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप चाहें तो शेडो को थोड़ा ऐसे कुछ इस तरह से ब्लेंड कर लें। ये हमारा कुछ इस तरह से क्विकली गुलाब आ गया ऐसे। अब देखें कुछ लोगों को लग रहा होगा ये है तो इतना पतला सा, मैंने ऐसे मोटा क्यों बना लिया, क्योंकि ये बर्ड व्यू है। बर्ड व्यू से जो भी चीज़ देखोगे तो कुछ मोटी सी लगेगी। अब ऐसा ही मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनाएगा। अब फिर आप बोलोगे कि नीचे का क्यों नहीं बनाया, तो नीचे का फिर कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से देखें कुछ इस तरह से। आप बोलो ये तो
गुलाब का पानी लग रहा ही नहीं है। तो एंगल का फ़र्क है, आप जितना दूर रखेंगे तो उतना जो है वो आपको पतला लगेगा। देखिए कुछ इस तरह से, मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ इस तरह से, तो एंगल का फ़र्क है और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दूसरी बात, वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, पर्सपेक्टिव सीखा और कंपोजिशन सीखा, शेड सीखा। कुछ लोग करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ काला कर देते हैं, बैकग्राउंड भी काला, ये भी काला, तो ये वाइट जो है ना वो छोड़ना पड़ता है अपने आप। ये ऐसा वाइट छोड़ो, बाकी में काम करो और हल्का सा ऐसे, और पेंसिल को थोड़ा स्लैट करके ऐसे ऐसे चलाओगे ना तो कुछ ये आपको गैप्स दिखेंगे। ऐसे चलाओगे ना तो ये गैप्स दिखेंगे, ऐसे चलाओगे तो आपको गैप्स ही नहीं दिखेंगे पेंसिल को थोड़ा स्लैट करके। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, आर्ट के न्यू शौकीन बंदों को ये वीडियो टैग करें। इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें और